एक बार फिर ट्रोल हुई कंगना रनौत। सुप्रिया जी ने पूछा, क्या भाव है मंडी का? एंकर के पूछने के बाद क्या जवाब दिया कंगना रनौत ने? कहा उन्होंने कि मंडी में क्या भाव चल रहा है। मुझे बहुत दुख हुआ, लगता है आप बहुत हर्ट हुई और कोई भी होता, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि आपने भी पास्ट में इस तरह की टिप्पणियां की हैं। उर्मिला मटोंडकर को आपने कहा सॉफ्ट पोन एक्टर है, तो अगर आपको कह दिया तो कुछ लोग कह रहे हैं कि कौन सी सती सावित्री है। नहीं, लेकिन आप मुझे बताइए कि सॉफ्ट पोन या पोन स्टार, इज इट एन ऑब्जेक्शनेबल टर्म? नो, इट इज नॉट एन ऑब्जेक्शनेबल टर्म। मैडम को अगर पोर्न स्टार या सॉफ्ट पोर्न कोई गाली नहीं लगता, तो मैडम को अपना सरनेम भी पोर्न स्टार या सॉफ्ट पोर्न रख लेना चाहिए। इसमें आपकी क्या राय है, अगर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जब हमें आज़ादी मिली तो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस, वो कहाँ गए? वो तो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। नहीं थे, क्यों? मुझे तो ये मैडम की समझ नहीं आती, ये पता नहीं कौन से स्कूल से पढ़ के आती है कि सुभाष चंद्र जी हमारे प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बने। मैडम इनको बताना चाहता हूँ कि 18 अगस्त 1945 को उसकी मृत्यु हो गई थी, तो वो प्रधानमंत्री कहाँ बनते, ये थोड़ा समझाओ इनको। नहीं, मैं पूछना चाहती हूँ, एक बार पहले इसी मंच पे आपने कहा था कि इस देश को स्वतंत्रता फ्रीडम मिली थी 2014 में, और आप बहुत ट्रोल हुई थी। नहीं तो मुझे ट्रोल करने वालों से मतलब, देखिए आपके साथ मैं भी ट्रोल हुई थी। देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो पेड ट्रेंडिंग आपको करनी है, ट्रोलिंग आपको करनी है, वो आप करिए, लेकिन आप मेरे साथ आके मुझसे बात तो करिए कि मैंने क्या गलत बोला। फ्रीडम जो है, क्या फ्रीडम सिर्फ शरीर की होती है? तो वैसे तो हम कभी परतंत्र थे ही नहीं कि अंग्रेजों ने हमें जेल में डाल के रखा हुआ था। वो तो कहते हैं कि हम वहां पे, वो हमारी कॉलोनी थी, उन्होंने क्या हमें जेल में डाल के रखा था? क्या मेरे शरीर में चेन्स थी क्या? नहीं, वो कहते थे हमारे यहाँ पे लॉ सिस्टम सारा उनका बनाया हुआ है, सब कुछ उनका करा हुआ था। तो फिर हम किस चीज से परतंत्र थे, पहले वो मुझे समझाइए। हम अपनी विचारधारा से परतंत्र थे, हमें विचारधारा की आजादी नहीं थी, हमें अपना अपना लोग चुनने की आजादी नहीं थी, उस चीज से हम परतंत्र थे। लेकिन यहां पे फिर से विदेशी शासन चलते हैं, यहां पे फिर से हमारे जो देश की जो है नीतियां वो विदेश तय करता है, यहां पे फिर से हम, तो मैंने क्या, हमें विचारधारा की आजादी नहीं है, हमें अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की आजादी नहीं है, हमें हिंदू होने पर शेम किया जाता है। तो कि लोग तो कहते हैं कि आजादी अब चली गई है क्योंकि नरेंद्र मोदी डिक्टेटर हैं। पहले मुझे ये बात आज क्लियर करने दीजिए। जब हमें आजादी मिली तो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस, वो कहां गए? वो तो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। नहीं थे, क्यों? क्यों कहां चले गए? क्यों उनको गायब कर दिया गया? ही जस्ट डिसअपीयर्ड फ्रॉम द फेस ऑफ दिस अर्थ। कांग्रेस ने गायब कर दिया। सो आई एम जस्ट सेइंग दैट एक बंदा जो हमें आजादी दिलाता है, अपना खून देकर हमें आजादी दिलाता है, जर्मनी से लेके जापान से लेके इतने युद्ध करके हमें आजादी दिलाता है, वो एक इंडिपेंडेंट नेशन हमें डिक्लेयर करता है, वो यहां का प्राइम, उसको लैंड नहीं किया दिया जाता इंडिया में। और जो लोग टेलीविजन देखते थे जेल में, वो लोग सरकार चलाते हैं। बिलीव दैट हम लोग परतंत्र ही थे। जब नेता बोस को हमारे अपने जो थे उनको गायब कर दिया गया, और उसके बाद में हमारे इतने ज्यादा स्वतंत्रता सेनानियों को गायब कर दिया गया, आजाद हिंद फौज के जो लोग थे वो आपको पता है कितने भूखे मरे हैं इस देश में?